राजकीय महाविद्यालय कालका में चौथा इंटर स्टेट कॉलेजिएट टूर्नामेंट बेसबॉल पुरुष और सॉफ्टबॉल महिला का उद्घाटन समारोह शुरू हुआ। बेसबॉल पुरुष और सॉफ्टबॉल महिला टूर्नामेंट का उद्घाटन महाविद्यालय की प्राचार्या कामना ने किया। टूर्नामेंट महाविद्यालय के स्टेडियम में 15 नवंबर से 19 नवंबर 2022 तक खेला जाएगा। चौथा इंटर स्टेट कॉलेजिएट टूर्नामेंट डॉक्टर कुलदीप बेनीवाल, डिप्टी डायरेक्टर खेल विभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा पंचकुला के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में आयोजित किया गया है। महाविद्यालय की प्राचार्या कामना ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि बेसबॉल दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों, अलग अलग उम्र तथा कौशल के लोगों के बीच एक लोकप्रिय खेल है। बेसबॉल 1846 में इंग्लैंड में सबसे पहले खेला गया था, लेकिन इसको वास्तविक रूप कुछ परिवर्तन के साथ उत्तरी अमेरिका ने दिया। टूर्नामेंट में पहला मैच एमडीयू रोहतक और अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ के बीच खेला गया। एमडीयू रोहतक की टीम विजयी रही। दूसरा मैच राजकीय महाविद्यालय कालका और एलन हिंदू कॉलेज रोहतक के बीच खेला गया, जिसमें एलन हिंदू कॉलेज रोहतक की टीम ने 7-0 से विजय प्राप्त करी। तीसरा मैच NBGSM कॉलेज सोहाना और FGM राजकीय महाविद्यालय आदमपुर के बीच खेला गया, जिसमें FGM राजकीय महाविद्यालय आदमपुर की टीम 11-0 से विजय रही। राजकीय महाविद्यालय कालका इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। उनके पास ये इतना अच्छा पवेलियन है, इतना अच्छा वर्क मैन पावर है, स्टाफ है, प्रिंसिपल ने फ्री हैंड दे रखा है। टूर्नामेंट इनको दिया गया और आप देखते हैं हमारे साथी हरदीप जी, प्रोफेसर सुशील जी, रामचंद्र जी, मैडम जी, ये सारे लगे हुए हैं और हरियाणा प्रदेश से कोने कोने से आई हुई ये विद्यार्थी इस टूर्नामेंट में आकर अपना अनुभव ले रहे हैं और अपना भविष्य बनाने की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस कॉलेज की जो तैयारियों का जायज़ा लिया है वो बहुत अच्छी हैं।